नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी जो पोलैंड की रिक्वायरमेंट चल रही है वो अभी हमारे पास में अभी भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी जो VFS सबमिशन है वो बॉम्बे का थोड़ा फास्ट हो रहा है, दिल्ली कोलकाता में सबमिशन का जो अपॉइंटमेंट है वो कम मिल रहा है। तो जो लोग भी अभी जिनका बॉम्बे लगने वाला है, ऐसे लोग डेफिनेटली हमें एज सून एज पॉसिबल कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि जिनका VFS बॉम्बे लगने वाला है उनका प्रोसेस फास्ट होने वाला है, कंपनी भी उनको प्रीफर कर रही है, क्योंकि उनका अभी ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा। मीन्स ऑब्वियसली सबमिशन जल्दी होगा तो वीज़ा जल्दी लगेगा तो फ्लाई जल्दी होगा तो उनका ज्वाइनिंग जल्दी हो जाएगा। सो जो लोग भी जिनका रीजन जो जोन जो लगता है ना वो बॉम्बे लगता है, मीन्स वेस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के लोग अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास में अभी जो रिक्वायरमेंट है वो जनरल वर्कर की रिक्वायरमेंट है। जनरल वर्कर में कोई भी प्रोफाइल हो सकती है, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, मशरूम हेल्पर हो, कोई भी प्रोफाइल हो। जनरल वर्कर के लिए कोई भी इंटरेस्टेड हो तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करें। सैलरी होगी, सैलरी जो हमने पहले बताई थी सेम सैलरी रहेगी। अभी जो सैलरी जो WP आएंगी ना वो रिवाइज होकर आने वाले हैं। पहले 2800 पॉलिश चलौटी सैलरी मिलती थी, लेकिन अभी 3200 या 3500 तक की सैलरी हो सकती है, 3000 से 3500 के बीच में हो सकती है। जनरली 3000 से 3200 के बीच में गाइडेंस आया हुआ है। सो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी न्यू ईयर का इफेक्ट मुश्किल से 3 तारीख तक रहेगा, 4 तारीख तक मान सकते हैं, उसके बाद चीज़ें बहुत फास्ट होने वाली हैं। ये जो प्रोसेस का टाइम था, इसमें जो वेटिंग टाइम निकला, डेफिनेटली ये इफेक्ट रहता है पोलैंड में जो सर्दी का टाइम रहता है, दिसंबर में क्रिसमस और सर्दी दोनों का इफेक्ट पड़ता है। अभी जो प्रोसेस है ना वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, रनिंग में आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी काम पहले से स्लो था, अब थोड़ा स्पीडअप हुआ, और अभी जो लोग अप्लाई करेंगे उनका डेफिनेटली प्रोसेस फास्ट होगा, वीज़ा एप्लीकेशंस भी जल्दी आएगी, और उनका उनकी जो सैलरी आएगी वर्क परमिट पर वो ज़्यादा आएगी। पहले सैलरी कम आती थी, लेकिन अब सैलरी उनकी सैलरी जो आने वाली है वो 3000 से 3500 के बीच में आएगी। टेंटेटिव आइडिया दिया गया कि 3000 से 3200 पॉलिश जलोटी के बीच में आने वाली है। दोस्तों, सैलरी में थोड़ा सी बढ़ोतरी है, और जुलाई में तो सैलरी काफ़ी कुछ बढ़ने वाली है। ये वहाँ से पहले से ही जुलाई में ये अपडेट आ गया था। मेल और फीमेल दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी प्रोफाइल्स में फीमेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि मैं मार्च में प्लान करके जाने वाला हूं मैं, और अभी जैसे भी फाइल सबमिशन शुरू हो जाएगा मैं पोलैंड जाने वाला हूं, तो जो भी है अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करूंगा। एज लिमिट 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सके, पाँचों क्राइटेरिया जो मैंने पहले बताए उसके हिसाब से जो एलिजिबल हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, प्रोसेस चल रही है, जिन लोगों का हो चुका है उनके प्रोसेस चल रही है, थोड़ी स्लो है ये मानते हैं, लेकिन प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी सभी लोगों के स्टेप बाई स्टेप सबके वीज़ा मिलेंगे और सबकी ज्वाइनिंग होगी, और जब मैं वहाँ पर पोलैंड में जाऊँगा तो डेफिनेटली बहुत सारी नई न्यू प्रोफाइल्स भी ऐड होने वाले हैं, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी क्लाइंट से चल रहा है, और जो क्लाइंट से कोऑर्डिनेशन चल रहा है तो मल्टीपल वैकेंसीज भी मिलने वाली हैं, जैसे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, मॉल इंडस्ट्री में ये वैकेंसीज हैं अभी हमारे पास में, और हम क्लाइंट को फाइल सबमिशन भी कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मेरा विजिट होगा तो और बहुत अच्छी तरीके से ये काम होगा, जिसमें से ये मान लीजिए कि प्रोसेस थोड़ा फास्ट भी होगा। अभी वैरायटी ऑफ वैकेंसीज हमारे पास आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आगे काफ़ी करियर अच्छा हो सकता है कैंडिडेट के लिए जो पोलैंड में अप्लाई करना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन्स अभी हम फिलहाल ऐसा बोलेंगे कि कोई भी कैंडिडेट जो वर्कर प्रोफाइल्स के लिए, जनरल वर्कर प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करना चाहता है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिंपल क्राइटेरिया, पासपोर्ट में 18 महीने का मीन्स जो वैलिडिटी होना चाहिए 18 महीने की, कम से कम 1.5 साल की वैलिडिटी, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, PCC निकल जाना चाहिए, और एवरेज इंग्लिश होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन कर सकें, इतना क्राइटेरिया है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोफाइल कंस्ट्रक्शन वर्कर हो सकती है, मशरूम हेल्पर हो सकती है, फैक्ट्री वर्कर हो सकती है, मॉल के लिए हो सकती है, या रेस्टोरेंट के लिए हो सकती है, जो भी प्रोफाइल होगी डेफिनेटली आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो हमारी अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स है वो जनरल वर्कर कंस्ट्रक्शन या मशरूम के लिए ज़्यादा अर्जेंट है। दोस्तों, जो लोग भी इंटरेस्टेड हो टीम को कॉन्टैक्ट करें और अप्लाई करें। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।